गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस बनाना बताऊंगा। अर्लियर लेक्चर में हम लोग अबाउट द ट्रायल बैलेंस सीखने का कोशिश किए थे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस का कंटेंट्स क्या क्या होता है, उनके बारे में डिटेल्स कवर अप करने का कोशिश किए थे। आज इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, इसको सीखने का कोशिश करेंगे। यहां देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस। तो जैसे कि ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन है, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ड्रॉन फ्रॉम बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो वही बात लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस बनाना है मेसर्स ट्रेडर्स। यहां देखिए आइटम क्या क्या दिया है, स्टॉक 1 जनवरी है, परचेज, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न होता है, कैरेज ऑन गुड्स परचेज इज आल्सो कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही कैरेज है, परचेज करते वक्त लगा, सेल्स करते वक्त लगा। डिस्काउंट ऑन सेल, दैट इज यहां छूट गए था कैपिटल, डिस्काउंट ऑन सेल कहने का मतलब हुआ हम लोग जब माल गुड्स को बेचे हैं तो डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट ऑन परचेज माने जब गुड्स खरीदे हैं तो डिस्काउंट मिला है, यहां बोलते हैं डिस्काउंट दिए हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, यहां बोलते हैं डिस्काउंट मिला है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, रेंट एंड टैक्सेस, ड्रॉइंग, इनकम टैक्स, ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। तो ऐसे करके 12-15 एक आइटम दिया हुआ है, ये सब लेजर बैलेंसेस है। इस बैलेंस से हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सबसे पहले लिखते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स, जिसके लिए ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ट्रेडर्स। ट्रायल बैलेंस एक फिक्स डेट को बनाया जाता है, तो इसलिए एज एट या एज ऑन लिखते हैं। डेट काफी पुराना है, 31 दिसंबर 2005। ये है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का कॉलम नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है। आजकल प्रैक्टिस में सीरियल नंबर कॉलम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, हम दे दिए। इसके बाद इसको बोलते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में वो जो लेजर अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे, दिस इज एलएफ, एलएफ फॉर लेजर बैलेंस, इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट में, और ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, जो क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट में, और उनका अमाउंट लिखना है। तो ऐसे करके ये बना दिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप सीरियल नंबर नहीं दो चलेगा, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, हम सीरियल नंबर दिए हैं, एक नंबर आइटम दिया है क्वेश्चन में स्टॉक, स्टॉक का डेट दिया है 1/1/2005, इसका मतलब ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ डेबिट में यहां अमाउंट डाल दिए 5000। दो नंबर में दिया है परचेज, परचेज हम लोग का एक्सपेंस है, परचेज किए गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, तो परचेजेज इज आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट बैलेंस होगा 15000। सेकेंड आइटम इज सेल्स,
सेल्स हम लोग का इनकम है, हम लोग गुड्स बेच दिए, पैसा कमा लिए, इनकम हो गया, इनकम है तो वो क्रेडिट में जाएगा 30,000। फोर्थ आइटम इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, इसका दूसरा नाम लिख देते हैं परचेज रिटर्न। परचेज अगर हम लोग के लिए एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो परचेज रिटर्न गेन हो जाएगा, दैट इज क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, उसका अमाउंट है 1,000। उसी तरह अगला नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम लिखते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स हम लोग के लिए इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न हम लोग के लिए लॉस हो जाएगा, और लॉस मतलब डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अगला नाम है कैरेज ऑन गुड्स परचेज। कैरेज ऑन गुड्स परचेस्ड, इसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। और अगला नाम है कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, इसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। ये हुआ गुड्स खरीदने का भाड़ा, नीचे वाला हुआ गुड्स बेचने का भाड़ा। कैरेज माने भाड़ा, वो गाड़ी वगैरह टेम्पो वगैरह का भाड़ा, दोनों केस में एक्सपेंस ही है। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, अमाउंट है 3,000 और 1,000, दैट इज ये 3,000 है, ये 1,000 है। नेक्स्ट नाम कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस। ये मनी कैपिटल, ओनर से पैसा आया था, दिस इज आवर लायबिलिटी, इसको हम लोग इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट ऑन सेल, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, इसका मतलब हम लोग सेल के ऊपर पैसा छोड़ दिए, ये हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा। और जबकि डिस्काउंट ऑन परचेज, जब हम लोग गुड्स खरीदे हैं तो सामने वाला पार्टी हम लोग को डिस्काउंट छोड़ा है, मेरे लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। जब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट में जाएगा 2,000। अगला नाम है कैश, उसके बाद है बैंक। 11 नंबर कैश, 12 नंबर बैंक। कैश का मतलब लिक्विड मनी, इंडियन करेंसी, और बैंक का मतलब वही पैसा जो बैंक में जमा है। ये दोनों मेरा है, मेरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स है, एसेट्स है तो डेबिट में आएगा 5,000, 10,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी मेरा प्रॉपर्टी हुआ, तो प्लांट एंड मशीनरी इज आवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माने एसेट्स है, एसेट्स डेबिट होता है। डेटर, डेटर कस्टमर को बोलते हैं, ऐसे लोग जिनको हम लोग गुड्स क्रेडिट में सेल किए थे, पैसा नहीं दिए थे, बोले थे बाद में पैसा दे देंगे, तो यहां पर क्लेम हो गया, अमाउंट रिसीवेबल है, बाद में इससे पैसा मिल जाएगा, तो ये एसेट्स होगा, डेबिट होगा। और इसी के जैसा एक होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कहने का मतलब सप्लायर, जिससे हम लोग क्रेडिट में गुड्स खरीद के लाए थे, इसको बाद में पैसा देना होगा, दिस इज आवर लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये प्लांट एंड मशीनरी की तरह प्रॉपर्टी है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, एसेट्स है तो डेबिट होगा 5,000।
रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। हम लोग अगर बिजनेस करते हैं तो दुकान ऑफिस गोडाउन चाहिए, अगर वो दुकान ऑफिस गोडाउन भाड़े पे लिया गया था तो वहां रेंट देना होगा, रेंट इज आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा 3000। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। प्रोपराइटर का अकाउंट होता है कैपिटल, जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, और ड्राइंग्स अगर करता है तो ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस। एक नाम है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोपराइटर, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है प्रोपराइटर का, वो भी डेबिट होता है 2000। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हम लोग पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक इज आवर एसेट्स, अब बैंक से अगर हम लोग ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज आवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा। और एक नाम बचा है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, एनीथिंग पेएबल इज लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल का मतलब हमको पैसा पे करना पड़ेगा, पैसा पे करना है तो ये मेरा लाइबिलिटी हुआ 8000। सारा आइटम लिखने के बाद लास्ट में इसका टोटल कर देते हैं, अगर इसका टोटल मैच कर दिया तो इसका मतलब हम लोग ट्रायल बैलेंस को सही बना दिए, और ये बोल सकते हैं कि हम लोग का जो लेजर था, जर्नल था, एरिथमेटिकली करेक्ट था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डिफिनेशन है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंसेस विच शोज एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। ठीक है, इसको प्लस करके देखते हैं इसका कितना टोटल आता है, तो इसका टोटल आया 75000, आ इसका भी टोटल है 75000। इसका मतलब हुआ हम लोग ट्रायल बैलेंस सही से बना दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स, ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखते हैं क्या क्या नाम दिया है। पहला ही नाम है कैपिटल, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन सेल, वेजेज, रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, ट्रेड चार्ज, लॉ चार्ज, कैश, बैंक ड्राइंग्स। यहां देखिए एक लोन है, बैंक लोन, एक नया नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ऐसे करके बहुत सारा लेजर बैलेंस दिया है, हमको इस लेजर बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेजर बैलेंसेस को लिखने के बाद हमको डिसाइड करना होगा कि ट्रायल का डेबिट है या क्रेडिट है। तो जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उससे इसका भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस ऑफ, कोई नाम नहीं दिया है, मेसर्स लिख के डॉट डॉट कर देते हैं, एज ऑन लिखते हैं या एज एट लिखते हैं। साल के आखिरी दिन ट्रायल बैलेंस बन रहा है 31 दिसंबर 2007। ये हो गया सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। जो आइटम डेबिट नेचर का है उसका अमाउंट डेबिट में दे देंगे, जो क्रेडिट नेचर का है उसका अमाउंट क्रेडिट में दे देंगे। सीरियल नंबर देना मैंडेटरी नहीं होता है, अपने एक सीरियल नंबर देके मेंटेन कर सकते हैं। सीरियल नंबर वन नाम है कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी होता है, कैपिटल मींस होता है प्रोपराइटर जो पैसा बिजनेस करने के लिए दिया। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस 1,00,000। प्लांट, बिल्डिंग और फर्नीचर, तीन नाम एक साथ पढ़े, प्लांट,
बिल्डिंग फर्नीचर, ये तीनों प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है। बिजनेस का ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है तो एसेट्स होगा, एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस होगा 20, 25 and 5, 20,000, 25,000, 5,000। और एक प्रॉपर्टी का नाम दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग पैसा कहीं इन्वेस्ट किए हैं, वो मेरा पैसा है, मेरा प्रॉपर्टी है, एसेट्स डेबिट बैलेंस। एक नाम है गुडविल, गुडविल भी एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, ये इनटेंजिबल होता है। गुडविल एसेट्स है, एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस। इसके अलावा अगला नाम है डेटर क्रेडिटर। डेटर का मतलब होता है कस्टमर और क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर। डेटर वो पर्सन हुआ जिसको हम लोग क्रेडिट में गुड्स बेचे थे, उससे पैसा हमको रिसीवेबल है, मिलने वाला है, एसेट्स। और क्रेडिटर माने हुआ सप्लायर, जिससे हम लोग क्रेडिट में खरीदे थे उसका पैसा देंगे, पेएबल है, वो लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस। परचेज सेल्स, परचेज हम लोग का एक्सपेंस होता है, परचेज डेबिट बैलेंस 39,000। और जबकि सेल्स हम लोग का इनकम होगा, इनकम क्रेडिट बैलेंस 80,000। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज डेबिट बैलेंस 15,000। कमीशन ऑन परचेज, अगर हम लोग परचेज करते हैं तो जिससे परचेज करते हैं, बल्क परचेज करने से वो हम लोग को कुछ कमीशन देगा, तो कमीशन ऑन परचेज इज आवर इनकम। आ इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा 3,000। आ कमीशन ऑन सेल हमारा एक्सपेंस है, हमारा गुड्स अगर कोई हमको सेल करवा देता है, कोई ब्रोकर है तो उस ब्रोकर को गुड्स बेचने को बोले और वो गुड्स बिक्री करवा दिया तो हम उसको कमीशन देंगे, तो कमीशन इज एक्सपेंस, कमीशन ऑन सेल एक्सपेंस, कमीशन ऑन परचेज इनकम। वेजेज रेंट इंश्योरेंस, तीन नाम एक साथ पढ़ दिए, वेजेज रेंट इंश्योरेंस, वेजेज रेंट इंश्योरेंस, तीनों एक्सपेंस है। आ एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 8,000, 5,000, 3,000। तीनों का तीनों एक्सपेंस है, बिजनेस करने के लिए, ऑपरेट कंट्रोल मैनेज करने के लिए बहुत सारा खर्च करते हैं, उसमें वेजेज रेंट इंश्योरेंस भी एक नाम है। जनरल एक्सपेंस, ट्रेड चार्ज, लॉ चार्ज। जनरल एक्सपेंस, नाम ही एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो हो ही गया। ट्रेड चार्जेज, चार्जेज एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है चार्जेज। लॉ चार्जेज ये भी एक्सपेंस ही है, तो तीन एक्सपेंस मिला, जनरल एक्सपेंस, ट्रेड चार्जेज एंड लॉ चार्जेज, 5,000, 5,000, 5,000, 1,000 एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। इसके बाद है कैश और बैंक, 19 के बाद 20 नंबर कैश और 21 नंबर बैंक। कैश माने इंडियन करेंसी जो मेरे पास है, मेरा है, मेरा प्रॉपर्टी है। अब बैंक का मतलब वो पैसा जो हमने बैंक में जमा करके रखा है, वो भी मेरा प्रॉपर्टी है, दोनों एसेट्स है। डेबिट बैलेंस 10,000 and 12,000। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है मनी विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। कैपिटल का उल्टा होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, तो ड्रॉइंग डेबिट होगा 11,000। 8% बैंक लोन, नाम ही उसका बैंक लोन है, बैंक लोन क्रेडिट होता है। अब बगल में वो क्रेडिट दे रहा है तो हम लोग क्रेडिट लिख दिए, अमाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, इट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होना है। एंड लास्ट आइटम इज प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, एनी प्रोविजन, एनी फंड एंड रिजर्व, ऑल आर लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस 7,000।
जैसे जैसे अकाउंट्स में आप आगे बढ़ोगे बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाएगा। कुछ चीजों को अभी याद कर लेना पड़ता है, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट भी आता है। अब इसको यहां प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद दोनों अगर साइड बराबर हुआ तो इसका मतलब सही बनाए थे। इसका टोटल हुआ 2 लाख, इसको भी कर दिए, ये भी 2 लाख आ गया। यहां लिख दिए टोटल, देखिए टोटल मैच कर गया, इसका मतलब हम लोग ठीक ठीक सही सही बना दिए। ऐसे करके ये ट्रायल बैलेंस बनता है। कोई भी ट्रायल बैलेंस पहले आप उसका नाम लिख दीजिए, और अगर उसका आप नेचर पहचान लेते हो कि वो एसेट्स होता है तो डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस होता है तो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम होता है क्रेडिट बैलेंस। इसको थोड़ा सा याद करना होगा। एसेट्स में 15 एक नाम है, लायबिलिटी में 10 एक नाम है, एक्सपेंसेस बहुत सारा होता है, इनकम 5-7 है। अगर उसको याद कर ले तो ट्रायल बैलेंस बनाने में आसानी हो जाता है। ये बना दिए ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, प्रॉब्लम नंबर 5 दिया है। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, हमको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। आइटम के रूप में देखते हैं कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज, सेल्स। यहां देखिए परचेज रिटर्न लिख रहा है, सेल्स रिटर्न लिख रहा है। डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन सेल को डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट ऑन परचेज को डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। बैड डेट, बैड डेट का मतलब होता है अपना पैसा डूब गया, बैड डेट इज लॉस, और ये फिर गेन हो गया, बैड डेट रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब जो बैड डेट हुआ था, जो पैसा हमारा डूब गया था वो पैसा वापस मिल गया, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये स्टॉक 1 तारीख का है, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एन आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसका क्या कारण है, क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं और कब रिकॉर्ड करते हैं, आगे की लेक्चर में बताया जाएगा। फिलहाल आपको इतना मेमोरी में रख लेना है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ऐसे करके कुछ आइटम्स दिया हुआ है। इससे हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ट्रायल बैलेंस ऑफ नाम नहीं दिया हुआ है, डॉट 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 दे दिए, एज ऑन 31/12/2005, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये हम लोग का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट दे दिए। अब आइटम का नाम और बनाना शुरू करेंगे। से एक नंबर आइटम है कैपिटल, कैपिटल इज आवर लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा 20,000। और 2 नंबर आइटम है ड्रॉइंग्स, जो प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट किया था तो कैपिटल वो निकाल लिया तो ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कैपिटल का उल्टा होता है, डेबिट हो जाएगा 2,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है, प्रोपर्टी होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का डेबिट में आएगा बिकॉज इट इज आवर एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी 8,000 है। परचेजेज, परचेजेज बिजनेस का एक्सपेंस होता है, परचेजेज अगर बिजनेस का एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा 10,000। सेल्स, सेल्स हम लोग के लिए इनकम है, इनकम मतलब क्रेडिट हो गया 30,000। अगला नाम है परचेज रिटर्न, जो गुड्स हम लोग परचेज किए थे उसको वापस कर दिए, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। इसके बाद नाम है सेल्स रिटर्न, जो हम लोग का गुड सेल हुआ था उसमें से कुछ रिटर्न आ गया, दैट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा 2,000। डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन परचेज,
डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन सेल को डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 2000, और डिस्काउंट ऑन परचेज को डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा 1000। इसके बाद है बैड डेट, बैड डेट इज आवर लॉस, जो डेटर पैसा देने वाला था अब वो पैसा नहीं देगा तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट लॉस है तो डेबिट में आएगा 3000। वहीं पर एक आइटम दिया है बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड माने जो बैड डेट हो गया था अब उसका पैसा मिल गया, दिस इज आवर इनकम, इनकम है तो क्रेडिट। इसके बाद नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट हम बताए थे कोई भी प्रोविजन कोई भी फंड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा क्यों क्रेडिट होता है, थोड़ा ये लंबा जर्नी का बात है। स्टॉक, स्टॉक हमारा डेट दिया है ओपनिंग, ओपनिंग मींस 1/1/2005, स्टॉक डेबिट होगा 5000। इसके बाद एक आइटम दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल का आइटम नहीं है, उसके लिए हम लोग एक नोट लिख देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट सन्ड्री एक्सपेंस, ये तीन नाम लिखे, तीनों का तीनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा 3000 1000 2000। इसके बाद नाम है सैलरी, सैलरी भी तो एक्सपेंस ही होता है, सैलरी, सैलरी एक्सपेंस होता है 5000। गुडविल, गुडविल हम लोग का एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, गुडविल एसेट्स हो गया डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हम लोग का क्रेडिट होता है लायबिलिटी, उसका इंटरेस्ट डेबिट होगा एक्सपेंस। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर प्रॉपर्टी है तो एसेट्स हुआ, एसेट्स हुआ तो डेबिट। अब ये ट्रायल बैलेंस बन गया, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में लिख दिए, सही है या गलत है इसको प्लस करके देखेंगे, यहां टोटल लिख देंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 54000। अब एक खास बात है, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को नहीं रिकॉर्ड किए तो उसके लिए हम नोट लिख देते हैं, नोट क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एन आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस बिकॉज परचेज इज नॉट एडजस्टेड। आगे चल के हम लोग अगले पार्ट में कवर करने का कोशिश करेंगे कि परचेज एडजस्टेड क्या होता है, अब परचेज एडजस्टेड होने से क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल का आइटम होता है, यही बात यहां बताना चाहते हैं। अपने सवाल में सिर्फ परचेज था, एडजस्टेड रहता तो क्लोजिंग लेते, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परचेज एडजस्टेड को कवर करेंगे, परचेज एडजस्टेड क्या होता है और ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है, ठीक है, ओके, थैंक यू।